नमस्कार, मैं अभिनव पराशर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के एपिसोड में। मित्रों, मामा एक ऐसा रिश्ता होता है जो बच्चों को बहुत प्यारा होता है। मामा शब्द में ही एक माँ छुपी हुई रहती है, पर क्या हो कि कल को यही मामा खतरनाक हो जाए। हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की घटना पर आधारित है। अंजलि, बेटा अंजलि। ओ मामा, आज फिर सपने से उठा दिया। आज मैं सपने में फैशन डिजाइनर बनने वाली थी। चल उठ जा और चाय ले, शाम को इवनिंग में तुम्हारे मामा आ रहे हैं। चल उठ जा, फ्रेश हो जा, मुझे भी ऑफिस जाना है। मम्मा, मम्मा देखो कौन आया है। अरे दीदी, कैसे हो? नमस्ते दीदी। खुश रहो? मैं बढ़िया हूँ। बैठो। कैसी हैं दीदी आप? बस मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। कैसा चल रहा है यूके में तुम्हारा बिजनेस? अच्छा चल रहा है। बिजनेस जो डाला था उसका एक फ्रेंचाइजी सोच रहा हूँ कि इंडिया में डाल दूँ। बहुत अच्छी बात है। चलो आप लोग बात कीजिए, मैं जाती हूँ अपने रूम में। ओके। अंजलि काफी बड़ी हो गई है ना दीदी, यूके में बहुत मिस करता था आप लोगों को। मैं हम लोग भी आपको बहुत मिस करते थे। रियली? और जॉब कैसे चल रही है आपकी? जॉब बहुत अच्छी चल रही है। अंजलि, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा, इतने से डर जाते हो? अच्छा, स्टडी चल रही है ना? एग्जाम पास आ रहे हैं इसलिए स्टडी करनी पड़ रही है। अच्छा पढ़ाई करो, मैं चलता हूँ। क्यों, रुको ना, आप मेरी हेल्प करवा दो थोड़ी सी स्टडी में। अच्छा, क्या हेल्प चाहिए बताओ। मैं कुछ क्वेश्चंस लर्न कर रही थी, तो आप मुझसे क्वेश्चन करो, मैं आपको आंसर देती हूँ। ओके, कराता हूँ, चलो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फैशन डिजाइनिंग? फैशन डिजाइनिंग क्रिएट क्लोथिंग इंक्लूडिंग शूज, सूट्स एंड एक्सेसरीज फॉर शूज एंड हैंडबैग फॉर कंज्यूमर। गुड, आई एम राइट? गुड। ओके अंजलि, सेकंड क्वेश्चन। ओके, हु इज बेस्ट फैशन डिजाइनर ऑफ इंडिया? मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, ऋतु कुमार। आई एम राइट? ओह वेरी फाइन, वेरी नाइस। तुम तो सब कुछ पता है, इस बार तो एग्जाम में फर्स्ट आने वाली पक्का। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज डैश इज मोर देन जस्ट क्लॉथ, फैशन। वाओ, ग्रेट, कितना अच्छा क्वेश्चन का आंसर दे दिया। थैंक यू, वेलकम। Thank you.
अरे अनु, तू कहाँ जा रहे फिर से? अरे ऑफिस जा रहा हूँ, पुणे काम से। तुम कल ही तो पुणे से आए हो और फिर पुणे जा रहे हो? अनु बंद करो अपनी ये अयाशियाँ, हमारी 18 साल की बेटी है। अयाशिया, दिन रात मैं मेहनत करके घर का खर्चा चलाता हूँ, सारा पैसा तुमको देता हूँ, यहाँ कहाँ अयाशी कर रहा हूँ मैं? हाँ मुझे सब पता है, तो तुम्हारा सेक्रेटरी के साथ में जो चल रहा है ना, और फिर सब जानती हूँ मैं। कुछ भी, कुछ भी जो मन में आया बोली जा रही हो, तुम्हें जो सोचना है जो समझना है समझो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मैं जा रहा हूँ और 2 महीने तक नहीं आऊंगा घर पे, समझ में आया? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस थोड़े सर में दर्द है और थोड़ी सी टेंशन। टेंशन? टेंशन किस बात की? मुझे बताओ। नहीं वो कुछ नहीं। अपने मामा जी को नहीं बताएंगे? बताओ क्या हुआ? मामू वो मॉम डैड के बीच कुछ सही नहीं चल रहा। डैड 2-3 मंथ के लिए बाहर ही रहते हैं, कॉल भी नहीं करते, सैलरी भी नहीं देते। मॉम बहुत सैड रहती है। बस इतनी सी बात के लिए हमारी अंजलि इतनी सैड हो गई? हमारी अंजलि एक ब्रेव अंजलि है, वो इतनी सी बात के लिए इतनी टेंशन नहीं आती। सही बोल रहे हो, ब्रेव अंजलि है। हमारी अंजलि इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन नहीं आती, वो चिल करती है, हैप्पी रहती है, अच्छे से मुकाबला करती है। समझ रही हो ना अंजलि मैं क्या कह रहा हूँ? अंजलि मामू मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ठीक है। तो गई थी क्या क्लास में? हाँ मैं नहीं आ पाई यार। अच्छा तो मिली थी यार, वो तो बहुत गुड लुकिंग है। हाँ अच्छा क्या बोल रहा था? नहीं यार मेरी तो कोई बात नहीं हुई, तेरी बात हुई क्या उससे? हाँ मुझसे बोल तो रही थी वो। हाँ मैं नहीं गई थी। हाँ यार सही कह रही है, नहीं मेरी कोई नेहा से बात नहीं हुई। हाँ बहुत गुड लुकिंग है ना। हाँ चल ठीक है। अंजलि बॉयफ्रेंड? मामू मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और फॉर काइंड इंफॉर्मेशन मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे मामू आप शादी क्यों नहीं कर लेते? बस मेरे दिल को कोई अच्छी नहीं लगी, और मेरे दिल को जो अच्छी लगी उसको मैं अच्छा नहीं लगा। वैसे आपको लड़की भी तो परी जैसी चाहिए होगी। परी? हाँ तो फिर ऐसी लड़की चाहिए जिसको हमेशा देखने का मन करे मेरा। तो फिर आप ऐसा करो ना, मोनालिसा की पेंटिंग से शादी कर लो, क्योंकि लोग कहते हैं उसकी पेंटिंग को जो एक बार देखता है ना बस देखता ही रह जाता है। अच्छा हाँ जी बात तो सही कहती हो, लेकिन बच्चे कहाँ से? वो तो अनाथ आश्रम से ले लेना। और दूसरी चीज? क्या दूसरी चीज है? अरे तुम भी। क्या मामू? अरे लाइक घूमना फिरना, डिनर ब्रेकफास्ट ये सब? वो सब तो मैं करा दूंगी। अच्छा फिर एक कॉफी हो जाए। स्ट्रॉन्ग? ओके डन। ये रही अंजलि की स्ट्रॉन्ग कॉफी। थैंक यू सो मच। और बताओ मामा कुछ अपनी लाइफ के बारे में? और सब अच्छा चल रहा है, तुम बताओ? अच्छा चल रहा है।
हो, हमारी अंजलि पास हो गई क्यों नहीं? इतनी ब्रिलियंट जो है। वो तो है ही। क्या हुआ मामू, ऐसे क्यों देख रहे हो? पता है अंजलि, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो मुझे किसी की याद आती है। किसकी याद? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड अदिति, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत थी। तो अब वो कहाँ है? एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। कोई बात नहीं मामू, आप तो इतने हैंडसम हो, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए लड़की ढूंढ के दूंगी। ढूंढना, लेकिन बिल्कुल अपने तरह। क्या मामू आप भी। अंजलि, मामू, मामू, मामू कहाँ हो आप? मामू अंदर हो क्या? मामू अंजलि आ रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? वो मेजरमेंट लेना था। कोई बात नहीं, मैं बाद में आती हूँ, ठीक है? अरे क्या हो, तुम मॉडल्स के मेजरमेंट तो लेती हो ना, मेरा भी ले लो, सिंपल है। आ जा। क्या हो गया? अंजलि दादी, हाँ तुम शादी क्यों नहीं करते? दीदी सोच रहा हूँ कि शादी कर लूं, लेकिन यूके में कोई पसंद की लड़की मिल नहीं रही। अदी मेरी एक फ्रेंड की बेटी है जिसे मैंने खाने पे बुलाया है, तुम भी मिल लो उससे। टीचर है। कौन? वो नेहा? नहीं मामू, आपके लिए बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छी नहीं है। और मामा अभी तो आए हैं मामू, अभी सेटल भी नहीं है, अभी थोड़ा घूमने फिरने दो और जब सेटल हो जाएंगे तो देखते हैं। तू चुप कर, तुझे क्या पता चलता है, बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं। आप लोग हमेशा ही ऐसी करती हो, जब देखो कोई मेरी बात नहीं सुनता। अंजलि मैं अभी आई। ठीक है। हाय, आई आओ, आओ बेटा, आओ बैठो। अदी ये टीचर है और नेहा ये यूके में रहता है बट इंडिया का ही कल्चर अपनाता है। कॉलेज में पढ़ाती हूँ, इकोनॉमिक्स टीचर। गुड। कैसी चल रही है लाइफ आपकी? अच्छी चल रही है। राइस दे रहा हूँ, लीजिए ना। हाँ तो मुझे इंडिया बहुत पसंद है। इंडिया है ही इतना अच्छा। खाना बहुत अच्छा बना है। रियली? आप यूके में कब से हो? टू इयर्स हो गए।
आपको ट्रैवलिंग पसंद है? टू मच। तो फिर तो आप खूब घूमते फिरते होंगे ना? मुझे घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग एवरीवेयर। मुझे भी ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। रियली? और आप कहाँ घूम चुके हो? पेरिस गए ना? यस, पेरिस इज अ वेरी रोमांटिक प्लेस। आप गए हैं कभी? नहीं, मुझे जाना है। और आप चाहें तो हम हनीमून भी वहीं प्लान कर सकते हैं। और आप चाहें तो हम हनीमून भी वहीं प्लान कर सकते हैं। अंजलि, कैसे शक्ल बना रखी है, इतना क्यों रो रही हो? हम लोग ना शादी कर लेते। क्या? मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। अंजलि, इट्स रॉन्ग। हम लोग रिलेटिव हैं, और तुम्हारे मॉम डैड को पता चलेगा तो क्या बोलेंगे वो लोग? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I can't live without you। अंजलि समझ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। अंजलि, एक बार अपनी एज तो देखो, हमसे कितनी छोटी हो तुम। एज कहाँ से आ गई बीच में? कल तक तो एज नहीं देखी आपने। सुनो, तुम अपने स्टडी पर ध्यान दो, तुम्हारी स्टडी बाकी है ना। तुम प्यार मोहब्बत ये सब, इसका मतलब आपने मेरा यूज किया? यार कोई यूज नहीं करा था, इट्स वाज जस्ट कैजुअल। आज आपको ये सब कैजुअल दिख रहा है। भूल जाओ ये सब। और मैं सुनो, कैसे भूल जाऊं, प्यार करती हूं मैं तुमसे। मुझे तुमसे शादी करनी है। हम शादी नहीं कर सकते, समझ रहे हो तुम क्या कह रहा हूं मैं? और सुनो, तुम अपने स्टडी पर ध्यान दो, तुम्हारी एज का कोई मिल जाएगा तो मुझसे कर लेना, नहीं कर सकते हम।
मामा ने जो किया वो किसी हैवानियत से कम नहीं था। ये समझना चाहिए था कि मामा और भांजी का रिश्ता आखिर क्या होता है। अगर वो दोनों ये बात समझ जाते तो शायद आज दिन कुछ और होते। लेकिन माँ बाप को भी अपने बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। नमस्कार।